जम्मू में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगातार जो है वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को चलाया जा रहा है और जितने भी स्टेट लैंड पे जितने भी लोगों ने कब्जा किया है उन कब्जों को हटाया जा रहा है। फिलहाल इस समय आपको तस्वीरें मैं पनामा चौक से दिखा रही हूँ जहाँ पर स्टेट लैंड पर एक बार फिर से आज सुबह जो है वो पीला पंजा चला है। बिल्कुल डिफकॉम के ऑफिस के सामने की आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर काफ़ी दुकानें जो है वो यहाँ पर रहती थी और उन दुकानों को जो है वो आज तोड़ दिया गया है, जिसके बाद यहाँ दुकानदारों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है क्योंकि आज सुबह ही जो है इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को चलाया गया था। आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड को यहाँ पर लगा दिया गया है, स्टेट लैंड थी ये और आप देख सकते हैं कि 55, 56, 57, 58 और 59 जो है वो खसरा नंबर है और ये दुकानें यहाँ पर थी, ये आज सुबह ही जो है वो स्ट्रिक्टली यहाँ पर प्रोसिक्यूट किया गया है इस लॉ को। और यहाँ की तस्वीरें लाइव मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, दुकानदारों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है कि आज सुबह इस तरह से दुकानों को जो है वो तोड़ दिया गया है। पहले 1957 बन गया खसरा नंबर 35 55 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
30 साल तो बाद बन गया 35 कसर नंबर, 35 तो बाद बन गए मेरे 3 नंबर। फिर जो नवी चेंज आ गई ना वे एक नंबर खसर नंबर जी मेरी दुकान मकान, मैं रिकॉर्ड दस कितने पेगा रिकॉर्ड हो गड़ी से दरिया में दिखाता हूँ। उसमें तहसीलदार ने लिख के दिया हुआ है पटवारी ने स्टैंप लगाकर भाई इसकी थले दुकान और मकान बिच लिखे था सर्व स्टेशन बिच मकान, तो फिर भी आ गए मकान तोड़े चला गया। सर जो बोर्ड लगाया गया उस पर लिखा है कि घुसपैठियों के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, तो घुसपैठी किसे कह रहे हैं? पता नहीं किसको कह रहे हैं सर। ना नारा मारना क्यों ना है? सर एक मिनट थोड़ा सामने मुड़े ये लाइव तस्वीरें आपको मैं पनामा चौक से दिखा रही हूँ, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से स्ट्रिक्ट इस लॉ को प्रोसिक्यूट किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि जिस तरह से जो दुकानें थी वो दुकानों को जो है वो यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है। हालांकि इनका कहना है कि हमने तहसीलदार से जो है वो एक लॉ के तहत ही जो है वो इस चीज़ की परमिशन भी ली थी, उसके बावजूद भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस तरह से ये स्टेप उठाया गया है। और स्टेप उठाने के बाद जो है ये लोग काफ़ी रोष में नज़र आ रहे हैं। लगातार जब भी इस तरह से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाती है तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिलता है। अलग अलग इलाकों में इसी तरह से दिन प्रतिदिन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आते हुए इसी तरह से जो है वो अपना एक्शन लेती हुई नज़र आती है। फिलहाल यहाँ जितने दुकानदार हैं जिनकी यहाँ दुकानें थी और काफ़ी सालों से ये यहाँ पर अपनी दुकानें चला रहे थे, उन लोगों में रोष देखा जा रहा है और प्रशासन के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेने के लिए कहा गया है। मैं कह रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, हमारे यहाँ 1950 से पहले के बैठे हुए इधर, हमारे को जमीन लाट हुई थी हरी सिंह टाइम पे 1947 से पे। खसर नंबर पहले हमारा बना 304/7 ऐसे था पुराना नंबर, उसके बाद नया नंबर बनाया 55 से बाद बने 30 साल के बाद बना 35 के बाद बना अभी जे 2007-08 में है जब बंदोबस्त बढ़ता है, जब जब बंदोबस्त बढ़ेगा तब तब नंबर चेंज होते हैं। ये नंबर कितनी देर के बाद चाहिए? कम से कम 30-35 साल के बाद। उसके बाद मुझे LYCC आई कोर्ट ने मुझे डायरेक्शन दी हुई है इसको तहसीलदार को भाई इसका 6 हफ्ते के अंदर अंदर इंतकाल किया जाए। हैं इसने किया नहीं, एक आदमी का कर दिया, मेरे चाचे का कर दिया,
वहाँ वो ही एक ही पहले हमारे एक ही नंबर थे, उसके बाद में दो नंबर बने, उसका कर दिया मेरा नहीं किया इसने। क्या कारण क्या होगा? सारा नुकसान बचा गया है, सब कुछ तबाह कर गया सारा, मुझे नोटिस भी नहीं दिया। कितनी दुकानें यहाँ पर बनाई? मेरी पांच दुकान ला लिया, इधर काट, इधर लाओ, इधर लाओ, मैं पढ़ा के सुनाता हूँ ना, आओ इधर आओ ना, बंद करना, इधर लाओ, पूरा जो रिकॉर्ड है इनके पास, मैं रिकॉर्ड सुनाता हूँ आपको, मुझे हाई कोर्ट ने एक्शन दी हुई है। और अब ये पूरी जानकारी, ये सही है, रेलवे ने लिख के दिता हमारी लैंड नहीं है, तहसीलदार ने ना, तहसीलदार ने निशानदी करवाई जो लैंड रेलवे की या किसकी है, ठीक है ना, जे आ गई तहसीलदार की, नेक्स्ट दूंगा दूंगा, जे आ गई किसकी है, ये मुंसिपलिटी ने लिख के दिया हुआ है हमारी लैंड नहीं है, जी एसआरओ नंबर दिए हुए उसने, है ना हमारा नंबर, ये एसआरओ जी कैसे आ गया तहसीलदार, ये किसकी है, ये जेडीए की, वाइस चेयरमैन जेडीए ने, बीसी मैडम ने, ये जो लगाते है ना पहले, ये नहीं जेडीए दिए, इसी के सैन हुए जी, इसने लिख के दिया जी हमारी लैंड नहीं है, ये भी कोई मेरे एड्रेस आ रहे, ये मुझे तहसीलदार साहब ने लिख के दिया, मैंने इंतकाल करना था, उसने नहीं किया जी पहले, तो ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं दुकानदारों में किस तरह से रोष देखा जा रहा है, काफी समय से आप देख रहे हैं यहाँ पर सैलून था, चौधरी कार वॉशिंग था, और फिलहाल जो आप व्यक्ति तस्वीरों में देख रहे हैं उनका कहना है कि मैंने अलग अलग तरीके से हर एक व्यक्ति, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो अन्य लोग हो, उनसे परमिशन ली गई थी, और उनका ये कहना था कि आप यहाँ पर रह सकते हैं, 1950 से यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बाद अगर आज सरकार को कोई एक्शन लेना था, एक्शन लेने से पहले कोई एक नोटिस जारी करना चाहिए था, नोटिस जारी नहीं किया गया, और आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई है, जिसमें इनका कहना है कि काफ़ी नुकसान हुआ, दुकान थी और दुकान के अंदर काफ़ी जितना इनका सामान रहता है, जितना इनका माल रहता है, वो सब पड़ा हुआ था, और ये जो दुकानें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर मलबे में तब्दील होती हुई नज़र आई हैं, लोगों में रोष है, और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी यहाँ पर देखी गई है कि अगर कोई एक्शन लेना चाहती थी सरकार तो क्यों नहीं एक बार पहले ऑर्डर दिया गया, क्यों सुबह सुबह आकर जब लोग यहाँ पर नहीं थे तो इस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को जो है वो हेल्ड किया गया, और जिस तरह से इन लोगों को सूचना मिली है ये यहाँ पर पहुंचे, और अब ये सरकार के खिलाफ नारेबाजी जो है इन्होंने करनी शुरू कर दी है कि एक पहले एटलीस्ट एक नोटिस जो है वो निकालना चाहिए था, लेकिन नोटिस नहीं निकाला गया, और इस तरह से यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव को कंडक्ट किया गया, उस चीज़ को लेकर अब इनका कहना है कि हमारे पास जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं हम इसे लेकर आगे जाएंगे, और हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम चुप करके नहीं बैठेंगे, और जब भी इस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को कंडक्ट किया जाता है लोगों में रोष देखा जाता है, और जितने अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं किसी तरह से कोई हंगामा ना हो, किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़े में बात तब्दील ना हो, उन्हें भी अपने साथ का जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का काफिला भी रखना पड़ता है, जो आज सुबह भी यहाँ की तस्वीरें देखी गई थी, तो यहाँ की तस्वीरें जो है मैं आपको डिपकम ऑफिस के अपोजिट दिखा रही हूँ पनामा चौक से, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा, और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।